जनपद रुद्रप्रयाग में जिला शिक्षक संघ ने वेतन विसंगति की मांगों को लेकर सीईओ कार्यालय में धरना देकर विरोध जताया। साथ ही नारे लगाते हुए चेतावनी दी कि जल्द ही हमारी 33 सूत्रीय मांगों का समाधान नहीं किया गया तो शिक्षक संघ द्वारा कठोर कदम उठाया जाएगा। वहीं शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने विभाग पर शिक्षकों की अनदेखी का आरोप लगाया। इस दौरान शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र भट्ट ने कहा कि अगस्त माह में शिक्षा मंत्री से वार्ता के दौरान मांगों को लेकर सहमति बनी थी और उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य सरकार आदेश लागू करेगी, मगर अभी तक एक भी मांग शिक्षकों की नहीं मानी गई, इसलिए हमें मजबूरी में धरना देना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। पहले सरकार को चेताने के लिए, विभाग को चेताने के लिए काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया था। उसके पश्चात हमने जागरण रैली देहरादून में निकाली थी, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर चू नहीं रहेंगी। इसका नतीजा यह है कि आज हम सब लोग यहां पर सड़क पर धरना दे रहे हैं। कार्यकारिणी के नेतृत्व में हम आज एक दिवसीय धरने पर हैं और ये आंदोलन अगर हमारा जो 33 सूत्रीय मांग पत्र है अगर वो जारी नहीं, उस पर कुछ भी अगर सकारात्मक रवैया नहीं अपनाती है, हम ये आंदोलन रोक रहे हैं। उसमें हमारी प्रमुख मांग थी कि पदोन्नति की जाए, उसमें LTC प्रवक्ता पे 2269 शिक्षकों की पदोन्नति होनी है, परंतु अभी तक सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा पदोन्नति नहीं की गई। वरिष्ठ शिक्षक संघ जनपद रुद्रप्रयाग में है, प्रांतीय आह्वान पर जो उत्तराखंड में पूरे समस्त जनपदों में आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, उसी के क्रम में आज हम सब जो है राजकीय शिक्षक संघ जनपद शाखा रुद्रप्रयाग के तमाम ब्लॉक कार्यकारिणियों से शाखाओं से पहुंचे हुए शिक्षक आज धरने पे है। विगत कई सालों से हमारी पदोन्नतियाँ बहाल नहीं हुई हैं, शिक्षक एक ही पद पर कार्य करके उसी पद पे सेवानिवृत्त हो रहा है और मांगों की जो फेरहिस्त है वो 35 मांगे हमारी हैं, जिन पे सरकार से हम कई बार अनुनय और विनय कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और हमको मजबूर होकर के अपने जो हमारे विद्यालय में आजकल हाफ एग्जाम चल रहा है उसको छोड़ करके उससे इतर हम आज धरने पे हैं।